नमस्कार किसान साथियों, मैं सनी भारती किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगेती मटर की तीन प्रमुख सब्जी वाली प्रजातियों के बारे में, जो कि पिछले कई सालों से बहुत अच्छा उत्पादन दे रही हैं और किसानों की आमदनी को बढ़ा रही हैं। किसान साथियों, पहली प्रजाति है काशी अगेती, दूसरी काशी नंदिनी और तीसरी प्रजाति है आर्केल। आइए किसान साथियों, इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, काशी अगेती यह प्रजाति भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से निकाली गई है। मटर की यह प्रजाति बहुत ही कम समय में, मात्र 50 दिनों में तैयार हो जाती है। इस किस्म की फलियां सीधी और गहरे हरे रंग की होती हैं, खाने में मीठी होती है। यह प्रजाति बाजार में सबसे पहले आती है और 150 रुपये किलो से भी अधिक में बेची जाती है। किसान साथियों, दूसरी किस्म है काशी नंदिनी। यह प्रजाति भी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी से 2002 में निकाली गई है। मटर की इस बेहतरीन किस्म को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एवं दक्षिण भारत में भी उगाया जा सकता है। यह 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, तीसरी और सबसे बेहतरीन किस्म है आर्केल। यह प्रजाति सब्जी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसका बाजार में अच्छा रेट मिलता है। हरी छीमी के लिए आर्केल को सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह मटर की अगेती और बौनी किस्म है, जो 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। सब्जी में इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। किसान साथियों, यदि हम सब्जी वाली अगेती मटर की खेती करते हैं तो जिस समय हमारी मटर तैयार होगी, उस समय बाजार में मटर का रेट 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम होगा, जिससे एक एकड़ मटर की खेती से किसान 60 दिन में लाखों कमा सकता है और मटर की कटाई के बाद उसी खेत में सब्जी या फिर प्याज की खेती कर सकता है, जिसमें हम गेहूँ या परंपरागत फसलों से भी 100 गुना ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप भी मटर की खेती करने की सोच रहे हो तो अभी भी देर नहीं हुआ है। 20 से 25 सितंबर के मध्य मटर को अपने खेत में लगा दें। किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और किसान हित में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद किसान साथियों।